नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी, आप कहाँ से हैं? मैं अपना आश्रम डेरा में जी। आपका नाम? परमजीत कौर। यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं? मैं 1990 में आ रही हूँ जी। 1990 में आए हैं, सेवा पे आते हैं जी। ठीक, आपको आंटी यहाँ पे आकर कैसा लगता है? बहुत माहौल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है जी। अब गुरु जी डॉक्टर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनसे अभी यहाँ पे नहीं है, तो आपको मतलब सत्संग वैसे ही चल रहा है या उसमें कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, बदलाव नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जी। गुरु जी ने क्या क्या मानवता भलाई कार्य किए हैं? बहुत मानवता भलाई दे, गिनती नहीं हो सकती जी। इतना उपकार किया पिता ने, कुछ कह नहीं सकते, देन नहीं दे सकते सतगुरु का जी। महिलाओं के लिए क्या कुछ गुरु जी ने किया हुआ है? महिलाओं के लिए बहुत उपकार पिताजी ने करे, भावना हो करे, राशन देंदे आ, मैंने खुद न आपू मिल लिया, मेरा विधवा है, मैं मेरा बेटा भी नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, खुद तीसरा मेरा जवाई भी नहीं है, अब मैं बेसहारा हूँ। ठीक है, मैंने इतना सहयोग दे रहे हैं, उतना मेरा आप खुद माँ बाप नहीं सहयोग दे पाए जितना मैंने डेरा दे रहा है, इतने बड़े काम करे हैं। मैं कुछ पिता जी का शुक्रवाद कर दी हूँ, मालिक ने मैंने चरणा ना रखे, बस यही बोल दिया भी चरणा ना ओढ़ नहीं पे मेरी जी। तो आंटी जी, अभी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा इस टाइम डेरा सच्चा सौदा में नहीं है, वो सुनारिया में हैं, तो उनके वहाँ जाने के बाद में सत्संग में कितना कुछ अंतर हुआ है? जो पहले जैसे सत्संग चल रहा था, गुरुजी खुद सत्संग करते थे और आज गुरुजी नहीं है यहाँ पे, तो सत्संग में कितना अंतर हुआ है? कोई नहीं अंतर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही उस तरह ही हुए जिमें पिछला स्टेज पर बैठे ने, सानू बिल्कुल इस तरह ही लगता है। सात संगत कितने तादाद में आती है? बहुत तादाद में आती है, गिनती नहीं कर सकते जी। गुरु जी ने क्या क्या मानवता भले कार्य किए हैं? गुरु जी ने मानवता भलाई 138 मानवता भलाई चलाई है, बिल्कुल ही होगा, बेसहारा सहारा दे जाते ने, राशन देंगे ने, और मकान भी दे रखे है, सतगुरु ने तो बहुत उपकार किए, गिनती नहीं आ सकती। अभी गुड़गांव में जैसे महासफाई अभियान हुआ था, तो क्या आप वहाँ पे गए थे? हाँ गए थे। कैसा लगा वहाँ जाकर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सेवा ही बहुत कम मिली है संतो थे जी। क्या कुछ सेवा किया आपने वहाँ पे? वहाँ झाड़ू के लगे थे, ग्रीन्स की वर्दी है। किस जोन में सफाई किया आपने? हाँ जी, सदर बाजार मिला था जी। तो वहाँ पे सत्संगी संगत कितनी आई हुई थी? बहुत, चार पाँच करोड़ ने दी गई थी जी, बहुत संगत। किस किस क्षेत्र से आई थी कुछ पता है आपको? हाँ जी, किस किस जगह से आई थी कुछ पता है आपको? नहीं ये नहीं पता जी, क्यों हमारी ड्यूटी उधर ही लगी थी ना जी। हाँ जी, तो बाकी आप जो गुरु जी पे आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल झूठ लग गए, एक भी नहीं सच हैगा, एक भी हमारे गुरु ऐसे नहीं है जिसे इन्होंने आरोप लगाया है। गुरु जी के लिए सरकार से आप क्या अपील करेंगे? अच्छी कहना जल्दी साढ़े गुरु जी वापसी आ जाए। आप चाहते हैं कि जैसे सत्संग गुरु जी पहले करते थे वैसे ही यहाँ पे आके दोबारा से सत्संग करें? करेंगे जी, जरूर करेंगे पिताजी, करेंगे। सतगुरु है, दोनों जाना का मालिक है, कोई आम आदमी है भी जेड़ा भी है सब। धन्यवाद। जैसे कि देख रहे हैं जनता अपनी राय खुद दे रही है कि गुरुजी से जल्द वापस आएं और उसी तरीके से सात संगत को अपना सत्संग जारे सबको सही दिशा निर्देश दिखाते हुए लोगों को जागरूक करें। प्लीज़ अपने कमेंट्स इसी तरह से देते रहिए। धन्यवाद।